Good morning, student. Today we are going to start our new topic AM and PM. Yes, AM और PM क्या है? Yes, आपको पता है, आपने क्लॉक देखी है, इस क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 12 तक, लेकिन जो हमारा डे है, हमारा जो डे है उसमें आवर्स तो होते हैं 24 आवर्स. ये तो आपको पता ही है कि 24 आवर्स होते हैं. तो अब 12 आवर्स है, लेकिन डे में टोटल आवर्स कितने हैं? 24. तो क्लॉक जो है इसको टू टाइम्स, मतलब दिन में ये टू राउंड पूरे करती है, तभी तो 12 + 12 कितने आवर्स हो जाएंगे? 24 आवर्स. तो अब इसको समझेंगे कैसे, कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो दिन है और कब रात है? तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने नहीं, मतलब पहले से इसको डिसाइड किया गया है कि डे को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एएम और पीएम. ओके, अब एएम क्या है और पीएम क्या है? एएम इज इक्वल टू आफ्टर मेरिडियम. आफ्टर मेरिडियम मतलब बिफोर मिड डे. ओके, मिड डे मतलब 12 o'clock नून. इट रेफर्स टू द 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून, मतलब रात के 12 बजे से लेके, रात के 12 o'clock से लेके दिन के, जो दिन में 12 o'clock नून के होते हैं, वो टाइम हमारा क्या होता है? एएम. ओके, रात को 12 o'clock, जब रात के 12 o'clock होंगे तो अब से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? एएम. और वो कहां तक रहेगा? 12 o'clock नून तक. उसके बाद है पीएम. पीएम का क्या मतलब है? पोस्ट मेरिडियम, मतलब आफ्टर मिड डे, दोपहर के 12 बजे के बाद. ओके, इट रेफर्स टू द 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट. अब ये कौन सा टाइम होगा? 12 o'clock नून, दोपहर के 12 बजे से लेके 12 o'clock मिडनाइट तक. ओके, अब इसमें अब एक बात और है कि जो हमारा टाइम होगा 12 o'clock नून का और 12 o'clock मिडनाइट का, ठीक है, तो ये टाइम जो होगा इसको ना तो हम एएम में काउंट करेंगे ना ही पीएम में. इसको हम क्या बोलेंगे? 12 o'clock नून, और जो रात के 12 o'clock होंगे उसको हम बोलेंगे 12 o'clock मिडनाइट. ओके, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पे दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है.